आज दक्षिण दिल्ली के वसंत कुंज क्षेत्र के पूर्व पार्षद मनोज महलावत ने अपने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा बताते हुए 2022 के MCD इलेक्शन में भी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपना बिगुल फूंकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में पार्कों के विकास, टूटे फूटे गंदे नाले के, गंदगी भरे पाइप के साफ करने के मुद्दे को लेकर बहुत से विकासशील कार्य किए हैं। आइए सुनते हैं पूर्व पार्षद मनोज महलावत की जुबानी उनके विकास कार्य। पाइप थे उसमें लोग गिर जाते थे, बड़े बूढ़े गिर जाते थे, वो बनी नहीं रही थी। उसके कारण थे कि उसमें पानी के नल के जाते रहते थे तो ढेर लग गया था, तो वो हमने बातचीत करके बनाई। तो हमारी दूर दराज में जो शादियां करके माँ बहन बेटियां जो हमारी, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि हमने ऐसा काम किया जिसकी यहाँ बहुत ज़रूरत थी। ऐसे अनेकों अनेक काम हमने किए, जैसे अपने मसूदपुर गांव के डेयरी फार्म में एक शहीद भगत सिंह पार्क बनाया, और वो पार्क बनाना अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी, क्योंकि वो जगह एक तरह से कब्जा हो चुकी थी और उसको एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया था। लेकिन वहाँ के स्थानीय सम्मानितों के सहयोग से हमने उसको ना सिर्फ साफ किया, एक पार्क डेवलपमेंट किया उसमें। देखिए, हमें नहीं पता था कि एक वैश्विक महामारी आ जाएगी और हमें इतना कुछ करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ दिव्य शक्तियाँ थी जो हमारे साथ लगी रही। और मैं तो यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जैसे हमने कोरोना काल में काम कर पाए, जिसका हमें सेवा का मौका मिला, ऐसे सभी को करनी चाहिए थी। वो ना सिर्फ ये काम कोई डॉक्टर्स का है या पुलिस का है या फिर मीडिया के बंधुओं का है या फिर हमारे टीचर्स का है, जैसे सभी लोगों ने कोरोना काल में अपने घरों से निकल के अपनी जान की परवाह ना करते हुए, ऐसी हर नेता का भी कर्तव्य होना चाहिए कि मुसीबत के समय में वो अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हो, वो उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखे, उनको राशन की दिक्कत ना होने दे, उनको किसी दवाई की दिक्कत ना होने दे, कोई भी जो भी ऐसे संकट में चीज़ों की ज़रूरत हो उसको ना होने दे। जब जनसेवा के माध्यम से या आप राजनीति क्षेत्र में आते तो एक जनसेवा का एक वो है तो प्लेटफॉर्म, तो बुरे समय में हमें अपनी जनता को छोड़ के घरों में दुबक के नहीं बैठना चाहिए। जैसे हमने काम किया ऐसे सभी को करना चाहिए। अच्छा मनोज जी, बीजेपी में अभी कुछ पिछले कुछ दिनों से आप नहीं होते हुए भी आज भी आप बीजेपी के झंडा लेकर घूम रहे हैं और उसी के बैनर के तले जो भी काम किया, क्या इसको माना जाए? देखिए, बिल्कुल लगभग स्वयंसेवक हूँ मैं और 25-26 साल से भाजपा के विभिन्न पदों पर रहा हूँ, और मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला महामंत्री और युवा मोर्चा अध्यक्ष 2 बार और अन्य विभिन्न पदों पर रहा हूँ। 9 साल मैंने गौशाला में गौ सेवा की। अभी पार्टी ने निगम पार्षद जैसे एक महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी पार्टी के बैनर तले मिली, तो अच्छा लगता है कि काम करते हैं उसमें, पार्टी उसके लिए हमें आशीर्वाद देती है अपना। जोरों शोरों के साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी हुई है, क्या कुछ चुनौती रहने वाली है? देखिए, चुनौती मुझे नहीं लगता कोई चुनौती है। मैं अपने काम के दम पे अपने क्षेत्र की जनता के बीच जाऊंगा और कोरोना काल उसमें एक ऐसा होगा कि जो जनता के साथ हमने उस समय किया, सहयोग किया, उसको लेके जाएंगे। डेवलपमेंट के काम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी जनता से कहूँगा कि अगर किए हैं तो मुझे वोट दें, मुझे आशीर्वाद दें, मुझे सहयोग दें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके मुद्दे पर खरा नहीं उतरा तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बिल्कुल एकदम खुली किताब की तरह अपने क्षेत्र की जनता के बीच में हमेशा रहा था, तन मन धन से, और आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। ये बिल्कुल मेरा सौभाग्य होगा और ये मैं अपने क्षेत्र की जनता को और सभी अपने मित्रों को, अपने सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने इस बेटे भाई को एक आशीर्वाद के रूप में मुझे सर्वे में नंबर 1 दिखाकर मुझे आशीर्वाद दिया। और कहीं ना कहीं ये वही सेवा भाव था जिसके लिए मैं दिन रात रोड पर रहा, ग्राउंड पर रहा, जनता के काम की, उनकी समस्याएं सुनी, बुरे कोरोना के बुरे संकट के समय में उनके साथ रहा। अपनी मुझे भी कोरोना हुआ और मैंने तन मन धन से अपना समर्पण किया। ये मेरे क्षेत्र की एक एक जनता का एक एक हिस्सा जानता, चाहे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे काम को देखते हैं लगातार और निश्चित ही वो दोबारा मुझे आशीर्वाद देंगे और मैं जीत के आऊँगा उसमें। जी देखिए, बिल्कुल जब महामारी थी तो काफ़ी संख्या में और दोनों ही बार मेरे वार्ड में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली कि वो अनाज का भंडारण था, वो बट जाना चाहिए था जनता के, वो बटता
तो कहीं ना कहीं वो भूख मिटती गरीब लोगों की, लेकिन वो एक राजनीति का शिकार कह लीजिए, लापरवाही की, वो अनाज वहाँ पर रखा रखा सड़ गया, जिसकी आवाज़ हमने उठाई और बाद में प्रशासन भी मुस्तैद हुआ और जागरूक हुआ और फिर कहीं ना कहीं वो जनता के बीच में पहुंचा और जो सड़ गया था उसको डिपार्टमेंट उठा। बिल्कुल लगातार आज भी उस विषय में पत्राचार हो रहा है मेरा, जो भी खाद्य मंत्रालय से हो या एलजी के तरफ से, एलजी साहब की तरफ से हो, और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उसमें आए थे स्कूल में जब वो हमने किया था, और सांसद साहब भी हमारे आए थे और उन्होंने भी फिर अन्य जगह जाकर इस तरह की चीज़ों को देखा और उस चीज़ को की फिर जो लापरवाही थी उस पर आवाज़ उठाई और उसको समाप्त करने का प्रयास किया। देखिए मैं, मेरे विकास कार्य हैं कुछ जो मैं अभी जो मैंने शुरू किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के कारण आचार संहिता के साथ वो रुक गए बीच में। एक तो वो अधूरे पूरे कामों को हम सीधा करेंगे, दूसरा आपने सफाई व्यवस्था की थी तो मैं यहाँ एक बिल्कुल खुले शब्दों में बात बताऊँगा कि सफाई व्यवस्था एक ऐसा काम है जो बेसिक काम है, हर दिन का काम है। उसमें अगर एक दिन भी दो दिन भी झाड़ू नहीं लगती है, सफाई नहीं होती है, तो वो ऐसा लगता है जो लोग उसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये हुआ ही नहीं है सालों से। उसमें कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था मेरे वार्ड में बहुत बेहतरीन है, आप घूम के देख सकते हैं वसंत कुंज, और उसमें मेरे अधिकारियों ने हमारे काफ़ी सहयोग किया। एक वार्ड में दो FCTS वो मेरे में ही होंगे, मुझे नहीं लगता और कहीं होंगे। मेरे गांव वार्ड क्षेत्र का रजोकरी गांव में दूसरा FCTS बन के तैयार हो गया और वो वर्किंग भी हो गया। इसके लिए मैंने सभी अधिकारियों को बधाई दी, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी, क्योंकि वहां से यहां आने में गाड़ी को बहुत समय लगता था। तो मैं ग्राउंड लेवल पर, मुझे आप मेरे वार्ड में घूम के देखें, अगर कहीं भी आपको लगता हो कि गंदगी की समस्या है तो मुझे, मैं वहाँ पर अपने अधिकारियों को, अपने स्टाफ को बाधे बुलाता हूँ, मैं पहले खुद लग जाता हूँ। आप लगातार देख सकते होंगे कि मैं सफाई के प्रति जागरूक हूँ, और ना सिर्फ मैं, मेरी माँ मेरी मौसी सुबह 4 बजे उठ के अपने घर के सामने सफाई करती हैं आज भी, और वो पानी का छिड़काव करती हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा सफाई रखना। देखिए मैं सिर्फ झाड़ू लेके फील्ड में नहीं, मैंने तो सार्वजनिक शौचालय भी साफ किए हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे कोई कोताही नहीं है सफाई। जब हमें जनता ने चुना है, निगम पार्षद चुना है, तो हम निगम का काम है सफाई करना और वो सफाई हम करते हैं, और ये हमारा एक निष्ठा के साथ करनी चाहिए, हम सभी को करनी चाहिए। हमारे एक शौचालय में काफ़ी दिन से सफाई नहीं हो रही थी, तो मैंने कई जगह बोला तो उसको अनसुना किया जा रहा था। मैंने खुद उस शौचालय की सफाई की, बाल्टी लेके, पानी लेके, झाड़ू लेके, फिर वही फोटोग्राफ मैंने अधिकारियों को दिखाए, सदन में दिखाए, वो जागरूक हुए और उन्होंने फिर वहाँ पर कंटिन्यू एक सफाई के लिए व्यक्ति रखा। तो ऐसा काम मैं ग्राउंड पर उतर के काम करने में विश्वास रखता हूँ। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलता है कि इसका सब, कुछ लोग कहते हैं सारे दिन ग्राउंड पे लगे रहते हो, कहीं ऊपर भी हाजिरी लगा ली करो, तो मैं हाजिरी में विश्वास नहीं, मैं काम पे विश्वास करता हूँ। देखिए राकेश जी, मेरा निवास भी बसंत कुंज है, एक सेक्टर में और B7 में, और मेरा निवास ये कार्यालय भी बसंत कुंज में है। दूसरा मेरा केबल TV इंटरनेट ब्रॉडबैंड का काम है पिछले 25 साल से अपने बसंत कुंज क्षेत्र में, और बड़ी संख्या में मेरा हर घर में एक जाने का हमें मौका मिलता है। हमेशा लोकल रहना है, लोकल पढ़े बल्ले बड़े हैं तो सबकी समस्याओं को अच्छे से जानता हूँ, एक एक चीज़ की, चाहे वो कोई स्लम बस्ती हो, चाहे वो पोस्ट इलाका हो, चाहे वो कोई फार्म हाउस एरिया। तो मुझे किसी को समस्या बताने की ज़रूरत नहीं होती, मुझे खुद दिखता है क्योंकि मैं घूमता हूँ। मेरे अधिकारी भी जानते हैं कि आज साहब घूम रहे हैं तो कहीं ना कोई कुछ ना कुछ काम ढूंढेंगे, और ऐसे ही मैं ढूंढ के उनको बताता हूँ और उस काम को। देखिए काम जैसा कि आपने बताया सफाई, मेरे वार्ड में एक हमारा कूड़े से बिजली बनने का एक संयंत्र बन के तैयार है, वो लग आपके B10 मार्केट के सामने, उसको मेरा शुरू कराने का सबसे पहला काम होगा, क्योंकि फिर मेरे वार्ड का जो कूड़ा हो वो यहीं के यहीं पे उससे बिजली बनना, गैस बनना, जो भी काम होगा वो यहीं निष्पादन उसका हो जाएगा। वो लगभग बन के तैयार है, और लगभग क्या पूरा ही बन के तैयार है, बस कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो मुझे सबसे पहले वो शुरू कराना है चुनाव के बाद।